डेथ थ्रेट्स देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले? उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना, देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएस लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है, वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट। उनको मुर्गी किसने कहा? खुद तो कह ले रहे अपने आप को मुर्गी, जब खुद को मुर्गी समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो हम भी क्या कर सकते साहब, हम भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। 40 साल एमपी रहने के बावजूद आज अपने आप को मुर्गी के हैसियत पे ला लिए हैं, तो कुछ तो सच्चाई है जो बाहर निकल रही है। यहाँ सच बाहर निकल रहा है, पर्दाफाश हो गया है, ये है असली सच। जिस गढ़ से हमने एक शेरनी को चुना है, उसी शेरनी के मुंह से सुनिए। डेथ थ्रेट्स देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले? उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना, देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएस लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है, वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात, करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है, और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है, और ऊपर से बोलते हैं मुर्गी नहीं है। ऐसे पहली बार बताए उनको मुर्गी किसने कहा? खुद तो कह ले रहे अपने आप को मुर्गी, जब खुद को मुर्गी समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो हम भी क्या कर सकते साहब, हम भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हम मुर्गी जाने क्या कर सकती है, मुर्गी क्या नहीं कर सकती है। 40 साल एमपी रहने के बावजूद आज अपने आप को मुर्गी के हैसियत पे ला लिए हैं, तो कुछ तो सच्चाई है जो बाहर निकल रही है। मैम, कल कांग्रेस के मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त राहुल गांधी जी ने कहा था कि बीजेपी नफरत फैला रहा है, और उनके मैनिफेस्टो लोगों का दिल में जो इच्छा है वही बता रहा है। जो बीजेपी लोगों के दर्द समझने के लिए इतने ढेर सारे आयोजना निकालते हैं, जो अनपढ़ औरतों के लिए भी हैं, जो जिनके घर में रोजी रोटी नहीं चलती है उनके लिए भी योजनाएं हैं, लड़की जन्म होती है तो उनके लिए योजना है, लड़का बड़ा होता है लेकिन उसको पढ़ाई नहीं रहती है, स्ट्रीट वेंडर बन जाता है तो उसके लिए भी योजना है, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए भी योजना है, और जो हिंदू नहीं है मुसलमान की बेटी है उसके दर्द और आंसू के लिए भी एक ट्रिपल तलाक इंस्टेंट रद्द हो जाता है। और ये करते हैं ऐसे ऐसे लोग के, ऐसे लोगों के बारे में जब कांग्रेस बात करती है, कहाँ गई थी ये कांग्रेस जब इमरजेंसी निकाली है, बहुत सारे उस वक्त भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सलूट की है। इतिहास है भैया, ये कोई नहीं भूलेंगे। हमको इमरजेंसी भी याद है, हमको बोफोर्स भी याद है। राजीव गांधी जी नहीं तो है ना, जो जाके तमिल मिलिटेंट्स को तो वहाँ पे वो लोगों के खिलाफ गए, श्रीलंका के तरफ गए, इतिहास समझा रहा है। जब वो थे इतने लड़ाइयाँ, जब मोदी भाई हैं शांति ही शांति चारों तरफ। ये लोग जलते हैं साहब, ईर्ष्या से भर 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 के कुट कुट में ना, इनको समझ में ही नहीं आ रहा अभी क्या करना है आगे। मैं मोदी जी ने आपको आपके आपकी अदालत एपिसोड की बहुत तारीफ की है ट्विटर पे, उन्होंने पोस्ट किया कि सब लोग ये देखना चाहिए, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? मोदी जी ने आपको बहुत तारीफ किया। हम यही कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो सच्चाई के साथ ठहरते हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री जो झूठ पसंद नहीं करते, ऐसा एक महान योगी का कहना है। साहब ये देखिए, यहाँ सच बाहर निकल रहा है, पर्दाफाश हो गया है, ये है असली सच। जिस गढ़ से हमने एक शेरनी को चुना है, उसी शेरनी के मुंह से सुनिए। सिर्फ इमोशनल बात नहीं, प्रूफ के साथ सुनिए आप। हम असद भाई जी के जैसे नहीं है बिना प्रूफ के आके बात करने के लिए, हम प्रूफ के साथ आते हैं भाई। अभी ऐसे बहुत सारे प्रूफ हमारे पास है, भारत के जनता को इंतजार करना पड़ेगा एक 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 एक, एक।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।